टर्म पेपर लिखना यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में से हम लोग को समझ में नहीं आता कि टर्म पेपर का स्ट्रक्चर कैसे करें, टाइटल पेज कैसे डालें, उसमें इंडेक्सिंग करना ज़रूरी है या नहीं, या कितना कितना पॉइंट्स या पैराग्राफ उसमें डालना चाहिए और क्या क्या कंटेंट उसमें डालना चाहिए, बिब्लियोग्राफी कैसे करें। ये बहुत सारा सवाल हम लोग को सताते रहता है और इसलिए हम लोग ढूंढते रहते हैं कभी वेबसाइट में, कभी यूट्यूब में, कि कैसे टर्म पेपर लिखे। तो आज आपका उस परेशानी का सोल्यूशन लेकर मैं आया हूँ और पार्ट बाय पार्ट आपको मैं एग्जाम्पल, मैंने एक टर्म पेपर अपना कॉलेज में लिखा था उसी का जरिए, उसी को दिखाते हुए मैं आपको एक एक पार्ट क्लियर करूंगा कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है टर्म पेपर को लेकर के, सही स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे उसको एक फ्लॉलेस टर्म पेपर लिखा जाता है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले एक टर्म पेपर लिखने के लिए जो ज़रूरी होता है वो होता है एक टाइटल पेज। और देखिए, टर्म पेपर है ना, आप कोई भी टॉपिक में लिख सकते हैं। टर्म पेपर बेसिकली क्या होता है? टर्म पेपर होता है एक थीसिस किस्म का, काइंड ऑफ थीसिस, ओके, एक रिसर्च पेपर किस्म का, कि आपको कोई भी एक गिवन टॉपिक दिया गया, उस टॉपिक में आपको रिसर्च करना है, ढेर सारा उसमें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। चाहे आप कोई बुक को कंसल्ट कर सकते हैं, आप वेब आर्टिकल्स को कंसल्ट करते हैं, आप कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन सोर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। थर्डली, उसको बारे आपका नॉलेज गेन करने के बाद आपका अपना जो क्रिटिकल एनालिसिस है, आपका अपना जो पर्सपेक्टिव है, या आपको अपने हिसाब से जो आपको नया व्यू पॉइंट उसमें लगा वो आपको दर्शाना रहता है कोई भी टॉपिक को लेके, ठीक है। तो इसीलिए टर्म पेपर दिया जाता है। टर्म पेपर का मकसद ही यही है कि आपका अंदर का जो रिसर्चिंग एबिलिटी है, आपका अंदर का जो क्रिटिकल एनालाइजिंग एबिलिटी है या थीसिस राइटिंग एबिलिटी है, कोई भी चीज़ को अपने नज़रिए से देखने का और उसको मतलब प्रेजेंट करने का एक स्ट्रक्चर्ड जो वे है वो आपको कितना आता है, या उसमें आप कितने सक्षम, कितने पारदर्शी हैं, इसीलिए टर्म पेपर लिखने को दिया जाता है। अब टर्म पेपर लिखने के लिए सबसे पहला जो चीज़ आपको चाहिए वो है टाइटल पेज। तो टाइटल पेज कुछ आपका ऐसा लिखेगा, सबसे पहले जो है आपको ये देखिए, ये आपको लिखना पड़ेगा टाइटल पेज, ठीक है। और फिर आपका नेम ऑफ, एक्चुअली मैंने अपना यहाँ पर्सनल डिटेल्स नहीं डाला है, या तो मैंने उसको स्टार कर दिया है या फिर उसकी जगह जेनरिक डिटेल्स डाल दिया है। तो यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी का जो भी नाम होगा आप यहाँ डालिएगा। और गैप, जैसे जैसे मैंने गैप मेंटेन किया है ना, आपको भी वैसे वैसे गैप मेंटेन करना है। नॉर्मल एकदम पहला जो आपका पेज होगा उसमें एकदम सिंपल सा एक वाइट सा पेपर लेना है, ठीक है। और उसमें ऐसे करके आपको सबसे पहले टाइटल पेज लिखना है, उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, फिर एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस नहीं, यूनिवर्सिटी का एड्रेस, फिर डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है इसलिए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिखा है। अब जिसका भी जो डिपार्टमेंट होगा वो उस हिसाब से लिखेगा, ठीक है। फिर थोड़ा गैप देना है, फिर आ जाना है आप एट प्रेजेंट किस सेमेस्टर में, या यूजी या पीजी किस कोर्स में है वो आपको लिखना है। जैसे मैंने ये टर्म पेपर लिखा था जब मैं एमए थर्ड सेमेस्टर में था, इसलिए मैंने एमए थर्ड सेमेस्टर सेमेस्टर थ्री लिखा है। आपका अगर बीए होगा, या आपको बीएससी होगा, बीकॉम, एमकॉम, कुछ भी होगा, और जो भी सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 जो भी होगा उस हिसाब से आपको लिखना है। फिर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये मेरा फाइनल एग्जामिनेशन था। एक आपका होता है इंटरनल एग्जामिनेशन, कोई कोई यूनिवर्सिटी में उसको मिड सेम बोला जाता है और कोई कोई एग्जाम यूनिवर्सिटी में उसको इंटरनल बोला जाता है, ठीक है। और एक जो फाइनल एग्जाम होता है, जो रिटन एग्जाम जिसके बलबूते पे आपका ग्रेड्स आता है, उसको एंड सेमेस्टर एग्जाम कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं एक्सटर्नल या फाइनल एग्जाम बोला जाता है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में जिस भी टर्मिनोलॉजी यूज किया जाएगा आप उस हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। एंड सेमेस्टर, मिड सेमेस्टर, एक्सटर्नल, इंटरनल, फाइनल, जो भी हिसाब से होगा आप वो लिखिएगा। फिर आपको ईयर मेंशन करना है यहाँ पे, ईयर, ठीक है, जो भी ईयर में आप ये टर्म पेपर लिख रहे हैं, ओके। फिर आपको देना है पेपर कोड, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में का सिलेबस में एक पेपर कोड जरूर दिया हुआ रहता है कि कौन पेपर का अंतर्गत आपका ये टर्म पेपर लिखना पड़ रहा है, तो वो पेपर कोड आपको डालना है, ठीक है। पेपर कोड और पेपर नेम भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, ओके। पेपर नेम, पेपर कोड दोनों डाल सकते हैं, या सिर्फ अगर पेपर कोड चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे लिखना है टर्म पेपर, ठीक है, ब्रैकेट में करके ऐसे टर्म पेपर लिखना है। अच्छा, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आता है आपका टाइटल, ठीक है। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका टर्म पेपर आप किस विषय में लिख रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सा मैटर में लिख रहे हैं। तो आपका थीम पेपर का टाइटल, सॉरी, टर्म पेपर का टाइटल आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरा टर्म पेपर मैंने लिखा था फेमिनिस्ट एलिमेंट्स इन द मूवी थप्पड़, ठीक
ठीक है, 2020 साल में एक मूवी आया था, पर उसमें फेमिनिस्ट एलिमेंट क्या क्या है उसको लेके मेरा टॉप पेपर ये रिसेंट पर था। तो ये था मेरा टाइटल, आप लोग भी अपना टॉप पेपर का टाइटल लिखिएगा। फिर आता है आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, फिर आता है आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। मैंने यहाँ पर स्टार कर दिया क्योंकि मेरा अपना था, तो आप यहाँ पर अपना हिसाब से लिख लीजिएगा। ओके, तो ये था कैसे आपको बनाना है टाइटल पेज। अब चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, हर पेज का लेकिन आपको पेज नंबर भी देना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ मैंने पेज नंबर 1 दिया है, ठीक है, फिर इधर नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 2, फिर नेक्स्ट में पेज नंबर 3, तो ऐसा पेज नंबर आपको देना है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे आता है कि इंडेक्सिंग का बात, देखिए इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग एक तरीके से उतना कंपलसरी नहीं है। ये कोई कोई मतलब फॉर्मेट में, कोई कोई यूनिवर्सिटी में इसको इंडेक्सिंग को मतलब कंपलसरी बताया जाता है, कोई कोई यूनिवर्सिटी में इसको मतलब ऑप्शनल बताया जाता है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ऑप्शनल था, जैसे मैंने इंडेक्सिंग नहीं किया था। लेकिन अगर आपके लिए इंडेक्सिंग करना मतलब कंपलसरी हो, ऐसा कुछ बताया जाए, तो आपको एक इंडेक्सिंग भी लेकिन करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा एक पेपर लेकर के आपने कौन कौन पेज में क्या क्या कंटेंट डाला है। जैसे सबसे ऊपर इंडेक्स लिखिएगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है टाइटल पेज, वैसे आप इंडेक्स लिखिएगा, और लेफ्ट साइड में सारा 1 2 3 ऐसे करके जितना आपका कंटेंट है। जैसे मान लीजिए मेरा पेज नंबर 1 क्या है, टाइटल पेज, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर 1 टाइटल पेज, यहाँ पे रहेगा मेरा कंटेंट, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा मेरा पेज नंबर, ठीक है, एक साइड कंटेंट एक साइड पेज नंबर, ठीक, यहाँ कंटेंट रहा मैं सी से लिखता हूँ, और इधर मेरा रहा पेज नंबर, मैं इसको पी से डिनोट करता हूँ, और ऊपर आपका टाइटल रहेगा इंडेक्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा आई से लिख दे रहा हूँ, ये रहेगा आपका इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके जितना भी आपका, मान लीजिए पहले आपका रहा टाइटल, फिर आपका रहा एब्स्ट्रैक्ट, फिर आपका रहा मेन पॉइंट या मेन एनालिसिस, फिर आपका रहा कंक्लूजन, फिर आपका रहा बिब्लियोग्राफी। वैसे जितना भी पार्ट में आप अपना पूरा जो टर्म पेपर को डिवाइड किए हैं वो सब आपको लिखना है, और इधर पेज नंबर आपको लिखते जाना है। जैसे मेरा टाइटल पेज मेरा है पेज नंबर 1 में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, फिर जो एब्स्ट्रैक्ट है वो है मेरा पेज नंबर 2 पे, तो मैं लिखूंगा 2, फिर मान लीजिए मेरा जो मेन एनालिसिस है, जो मेन टर्म पेपर मेन एनालिसिस करके लिखा है, वो मान लीजिए मैंने पेज 3 से लेके 5 तक लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 से लेके 5, ठीक है, फिर मान लीजिए मैंने कंक्लूजन जो लिखा है वो पेज नंबर 6 में लिखा है, तो वो मैं लिखूंगा 6, बिब्लियोग्राफी मैंने पेज नंबर 7 में लिखा है, तो मैं लिखूंगा 7। तो ऐसे करके पूरा इंडेक्स आपको बनाना है, अगर मतलब इंडेक्स बनाना रहा तो, ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में जो है एब्स्ट्रैक्ट, पेज नंबर 2 जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें आपका लिखा होगा, इसमें दो चीज़ आपको लिखना है, एक आपको एब्स्ट्रैक्ट पहले लिखना है, फिर आपको कीवर्ड्स लिखना है। अभी एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप पूरा टर्म पेपर जो लिख रहे हैं उसका ही एक छोटा सा बर्ड्स आई व्यू, उसका ही एक छोटा सा इंट्रो आप मान लीजिए, कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही जो मतलब रिव्यूअर है या जो भी कोई नॉर्मल रीडर है उसको पता चल जाना चाहिए कि आप पूरा टर्म पेपर किस विषय में लिख रहे हैं और आपका टर्म पेपर लिखने का उद्देश्य क्या है। जैसे देखिए मेरा यहाँ पे टर्म पेपर का टाइटल क्या था, मैंने किस विषय में टर्म पेपर लिख रहा था, कि फेमिनिस्ट एलिमेंट्स जो है ये मूवी थप्पड़ मूवी में जितना भी फेमिनिस्ट एलिमेंट है उस पर कमेंट करना है, उसको एनालाइज करना है, ये था मेरा टॉपिक। तो इसलिए आपका जो भी टॉपिक रहेगा उसको आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो मैंने देखिए सबसे पहले फेमिनिज्म को लेके कुछ कमेंट किया है कि फेमिनिज्म क्या है, ठीक है, उसको लेके थोड़ा सा बताया है। फिर मैंने बताया है कि फेमिनिज्म को कंटेम्प्रेरी लिटरेचर या मूवीज में भी कैसे दर्शाया जा रहा है, और आखिरकार मैंने बताया है कि जो मूवी थप्पड़ है उसमें भी कैसे काफ़ी लेयर्ड तरीके में, काफ़ी एक दो तीन तरीके के हिडन मीनिंग और लेयर के जरिए फेमिनिज्म को या फेमिनिस्ट एलिमेंट्स को हम लोग को डेली लाइफ में कैसे ये दिखता है उसको बहुत बखूबी से दर्शाया गया है। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट जो लिखना है ना, छोटा सा लिखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लिखना नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, छोटा लिखना है, एकदम टू द पॉइंट लिखना है। सबसे आपको इसको 3 पॉइंट स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं, 3 या 2 पॉइंट स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं, जो भी आपका मेन टॉपिक रहेगा उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। फिर आपको
आप कौन एग्जैक्टली टेक्स्ट या कौन मूवी या कौन सा कोई आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को तो फॉलो कर रहे होंगे ना, या आप कोई पोएम का बारे कुछ लिख रहे होंगे, या तो आप कोई ड्रामा का बारे कुछ लिख रहे होंगे, या तो आप कोई ऑथर के बारे कुछ लिख रहे होंगे, या आप कोई थ्योरी के बारे कुछ लिख रहे होंगे, ठीक है, या कोई भी आप कल्चर के बारे कुछ लिख रहे होंगे, जो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ लेके तो आप लिख रहे होंगे ना, तो उस चीज़ को फिर उसका बारे दर्शाना है। ठीक है, जैसे मैंने मेरा यहाँ पे दो चीज़ मेन क्या था, एक फेमिनिज्म, एक था कि मूवी, तो मैंने पहले फेमिनिज्म के बारे में लिखा और फिर ये लिखा कि मूवी में कैसे इसको दर्शाया गया है, बट वो एकदम बहुत सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से, ठीक है, हो गया एब्स्ट्रैक्ट। अब आता है कीवर्ड, कीवर्ड में आपको क्या लिखना है कि जो भी आप, कीवर्ड होता क्या है, कीवर्ड होता है ऐसा कुछ वर्ड जो आपका पूरा टर्म पेपर में ज्यादा बार रिपीट किया है, मतलब आपका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, देखिए एक टर्म पेपर जब आप लिखते हैं तो कुछ कुछ आइडिया पे आपका फोकस ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, जैसे बहुत स्वाभाविक बात है क्योंकि मैं थप्पड़ मूवी में फेमिनिस्ट एलिमेंट को लेके मैं टर्म पेपर लिख रहा हूँ, तो फेमिनिज्म ये शब्द बहुत बार आया होगा, फेमिनिस्ट आया होगा, ठीक है ना, पैट्रियार्की ये भी आया होगा, तो इसलिए देखिए मैंने कीवर्ड्स मैंने क्या क्या डाला, फेमिनिज्म, वुमेन, जाहिर सा बात है फेमिनिज्म तो मैं वुमेन का ही बात कर रहा हूँगा, पैट्रियार्की, पैट्रियार्की का अगेंस्ट बात कर रहा हूँगा, मेल डोमिनेशन, ये भी जब भी फेमिनिज्म का बात आता है तो एक मेल डोमिनेशन, एक वुमेन सप्रेशन का बात ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, पावर, मूवमेंट, एम्फसाइज, तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो मेरे टर्म पेपर में बार बार आया है, रिपीट किया है, मतलब क्या यही सब आइडिया मोस्ट स्ट्रेस्ड आइडिया और मोस्ट रिपीटेटिव और मोस्ट प्रोमिनेंट आइडिया है। अब आपको ये पता लगाना होगा, आपको ये समझना होगा कि आप जिस भी टॉपिक में टर्म पेपर लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक का सबसे प्रोमिनेंट आइडिया क्या है, ऐसा कौन सा वर्ड या ऐसा कौन सा फ्रेज है जो आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ये आप दिमाग लगा के कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं, या पहले अगर आपको कीवर्ड्स दिमाग में नहीं भी आया, कहीं हो ही सकता है कि आप लिखते लिखते फिर आपको कुछ बाद में चेंज करना पड़ा, तो आप कीवर्ड्स की जगह को एम्प्टी रख दीजिएगा, पहले आप पूरा अपना टर्म पेपर बढ़िया से लिख लीजिएगा, फिर नहीं तो एक बार रिव्यू करके आप देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड आपका ज़्यादा बार रिपीट किया है। ठीक है, तो दैट्स इट, ये हो गया कीवर्ड्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, दैट इज पेज नंबर 3। अब यहाँ से शुरू होता है मेन एनालिसिस, यहीं से हम लोग का जो मेन आपका टर्म पेपर लिखना है ना वहीं शुरू होता है, यहाँ पे मेन टर्म पेपर। देखिए अब इसको आपको क्या करना है, एक तरीके से नहीं लिखना है, मतलब पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना है, जैसे देखिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ, फिर सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर आपका सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, ये तो मैंने पूरा 10 पैराग्राफ में इसको डिवाइड करके, 9 से 10 पैराग्राफ में पूरा चीज को मैंने डिवाइड करके लिखा है। तो अब ऐसा क्या, ऐसा मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आपको भी 10 ही पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना होगा, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप एक पैराग्राफ मत लिखिएगा, उसको आइडिया वाइज डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, सब टॉपिक वाइज। अब आप चाहे तो इसमें सब हेडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, ये आपका टर्म पेपर को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है, लेकिन अगेन दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, ठीक है, ये ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप टर्म पेपर लिख रहे हो तो आपको सब टॉपिक देना ही पड़ेगा, सब हेडिंग देना भी पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आपको लेकिन पैराग्राफ में डिवाइड करके जरूर इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि जो पढ़ रहा हो उसको पता चले कि अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग आइडियाज हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना पहला पैराग्राफ में फेमिनिज्म को लेकर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि फेमिनिज्म क्या है, फिर मैं जो मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें पैट्रियार्की को लेके मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन में थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि पैट्रियार्की क्या है, पैट्रियार्की के नोशन क्या है, ये क्या होता है, ये फेमिनिज्म से कैसे जुड़ा हुआ है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री, फिर मैंने फेमिनिज्म का बारे से थोड़ा सा, और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसका बारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे देखिए फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, फेमिनिज्म का एक्चुअली 3 वेव्स है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फिर सेकेंड वेव, फिर थर्ड वेव फेमिनिज्म, ठीक है, इसका बाद मैंने शुरू किया मेरा जो मूवी का रिव्यू था, तो मैं पहले क्या कर लिया, पहले फेमिनिज्म को लेके मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि ताकि मेरे जो रीडर्स है उनको पता चले कि फेमिनिज्म क्या होता है, क्योंकि अगर फेमिनिज्म के बारे में उनको क्लियर कट आइडिया नहीं दे पाऊंगा तो थप्पड़ मूवी में जब मैं फेमिनिस्ट एलिमेंट्स दर्शाऊंगा कि ये है फेमिनिस्ट एलिमेंट्स, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको एक क्लियर कट आइडिया देना है। अब मान लीजिए आप टर्म पेपर लिख रहे हैं कि पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स, ठीक है, या फिर
मॉडर्न टेक्निक्स इन द पोएम वेस्टलैंड, या कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, ठीक है। तो या फिर मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं कि हाउ मिल्टन पोर्ट्रेट द कैरेक्टर ऑफ सेटन इन हिज लाइक पैराडाइज लॉस्ट, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। तो इसका लिए जो भी आप कुछ टर्म पेपर में आप दर्शाना चाह रहे हैं, अब उसके लिए आप कोई ना कोई टेक्निक का तो सहारा लीजिएगा, कोई ना कोई लिटरेरी थ्योरी, कोई ना कोई लिटरेरी क्रिटिसिज्म, या कोई ना कोई पोएटिक डिवाइस, कुछ ना कुछ एक प्रीवियस आइडिया तो मतलब एक रीडर के दिमाग में रहना चाहिए ना, ताकि जो आइडिया उसको रहेगा तो उसको आपका एनालिसिस समझने में सुविधा होगा। तो वो आइडिया पहले आप क्लियर कर देना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फेमिनिस्ट एलिमेंट्स के बारे में लिख रहा हूँ, तो फेमिनिज्म के बारे में पूरा क्लियर कर दिया है। तो आपको भी ऐसे जो भी चीज़ को लेकर आप लिख रहे हैं उसको समझने के लिए कुछ आइडिया अगर पहले से ज़रूरी हो तो उसको पहले क्लियर कर दीजिएगा, फिर आपका मेन एनालिसिस में आइएगा, ठीक है। फिर देखिए मैंने जैसे थप्पड़ मूवी में फेमिनिज्म कैसे कैसे क्या क्या चीज़ के जरिए आया है उसको मैंने लिखा है, एक एक करके पहले मूवी का थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल्स दिया कि मूवी में क्या क्या होता है, उसके बाद एक एक करके डिटेल मैंने किया है कि कैसे कैसे मतलब मूवी का ये जो घटना है उससे फेमिनिज्म का ये चीज़ जुड़ा हुआ है। तो कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले जो आप फेमिनिज्म के बारे जो भी लिखे हैं अपने थ्योरी में, जो भी लिखे हैं, जो भी समझाए हैं, और बाद में जब आप एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो उसको कनेक्ट कीजिएगा, कि सिर्फ ऐसे नहीं बता दीजिएगा कि ठीक है मूवी में है ना ये अपना हस्बैंड एक वाइफ को थप्पड़ मारता है तो बस ये हो गया फेमिनिज्म, बस इतना नहीं करना है। आपको कनेक्ट करके दिखाना है कि एक हस्बैंड अगर अपना वाइफ को थप्पड़ मारे तो क्या वो गलत है, अगर गलत है तो वो किस लिहाजे से गलत है, सिर्फ क्या वो एक फिजिकल असॉल्ट है, सिर्फ क्या वो एक शरीरी चोट है, या फिर उस शरीर को छोड़ के भी कोई और जगह में भी उसका असर पड़ता है, क्या ये एक सोसाइटल इशू भी है, क्या एक एग्जिस्टेंशियल इशू भी है, क्या ये एक इमोशनल इशू भी है, क्या ये कुछ और साइकोलॉजिकल चीज़ को दर्शाता है, क्या इसका इम्पैक्ट उसका लाइफ में बाद में भी रहेगा, ये सारा चीज़ को आपको डिटेल में एनालिसिस करना है। यहीं पर आपका क्रिटिकल मेंटालिटी सामने आएगा। टर्म पेपर यानी ही सीधा समझ लीजिए कि आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना ही करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर सतह एनालिसिस नहीं करना है, अंदर तक जाना है, क्या क्या उसका डीप मीनिंग हो सकता है वो निकालना है, और एक एक पॉइंट बहुत क्लियर कट करके आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है और जोड़ना है, कनेक्ट करना है, ताकि आपका टर्म पेपर पढ़ते पढ़ते रीडर कभी भी डिसकनेक्टेड फील ना करे, कभी भी उसको ये ना लगे अरे मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट इज द थिंग। तो ऐसे करके आप पूरा अपना टर्म पेपर लिख लिए, बॉडी लिख लिए। इसका बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज आदमी होते हैं, वो है बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी होता है कि आप अपना टर्म पेपर लिखने के दौरान जो जो सोर्सेस से मदद लिए हैं उस सोर्स को आपको साइट करना होता है। कोई बुक से आप मदद लिए है, कोई जर्नल से लिए है, कोई मूवी से लिए है, कोई यूट्यूब वीडियो से लिए है, कोई वेब आर्टिकल से लिए है, कुछ भी फिजिकल ऑफलाइन या ऑनलाइन सोर्सेस को आपने कंसल्ट किया हो इस टर्म पेपर को लिखने का दौरान, उस सारा चीज़ को आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि हाँ ये चीज़ है जिसे मैंने सोर्स लिया है, जिससे मैंने इंस्पिरेशन लिया है, जिससे मैंने हेल्प लिया है, उसी लिस्टिंग को कहते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है। सिलेक्ट, तो आप सबसे पहले लिखिएगा सिलेक्ट बिब्लियोग्राफी। देखिए जैसे यहाँ मैंने लिखा है सिलेक्ट बिब्लियोग्राफी। फिर आपको क्या करना है, अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सोर्सेज से लिए हैं तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करना है। जैसे मैंने बुक्स को भी कंसल्ट किया था और ऑनलाइन काफ़ी मटेरियल को भी कंसल्ट किया था, इसलिए मैंने पहले बुक्स का कॉलम बना दिया, फिर आर्टिकल्स फ्रॉम वेब का कॉलम बना दिया। अब अगर आपने कोई एक ही चीज़ लिख रहे हो सिर्फ, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक्स और ऑनलाइन दोनों कंसल्ट करना ही पड़ेगा तभी आप बिब्लियोग्राफी डाल सकोगे, नहीं तो नहीं डाल सकोगे, ऐसा कोई बात नहीं। आप अगर कोई एक भी चीज़ कंसल्ट की है, मान लीजिए सिर्फ आपने बुक भी कंसल्ट किया, तो आप सिर्फ मतलब बुक का ही नाम डालिएगा, ओके। अगर आपने सिर्फ वेब आर्टिकल चुना है तो आप उसी से लिखिएगा, अगर आप सिर्फ यूट्यूब वीडियो से देखिए तो वही डालिएगा। कोई भी चीज़ आप कंसल्ट किए हैं उसको मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपने अपना पूरा टर्म पेपर के लिए सिर्फ अगर एक पेज भी पढ़ा है, कहीं से भी एक पेज भी पढ़ा है और उसी का बदौलत पूरा टर्म पेपर लिख दिया है, तो आपको उस एक पेज का भी क्रेडिट देना है। एक लाइन भी पढ़े हैं तो उस लाइन का भी क्रेडिट देना है। इस बिब्लियोग्राफी सेक्शन को आप मिस नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत कोई सोचता है कि अरे मैंने तो बस एक ही किताब पढ़ा है कि एक ही आर्टिकल पढ़ा है तो क्या ही बिब्लियोग्राफी डालूंगा, कैसा लगेगा, ऐसा बात नहीं है, आपको डालना ही है, ओके। अच्छा, अब देखिए, अब इसको लिखने का तरीका समझ लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल तरीके से इसको नहीं लिखा जाता, थोड़ा सा अलग है इसका तरीका, और यहीं पे सबसे ज्यादा गलतियां होती है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, एब्रम्स इमेज एंड हर फैन ज्योफ्रे गॉल्ड,
तो ये सबसे पहले अगर आप बुक्स को साइट कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले ऑथर का नाम आपको डालना है, और वो भी इनवर्स तरीके से डालना है। इनवर्स यानी सबसे पहले आपको डालना है सरनेम या टाइटल, फिर आपको डालना है उनका नाम, और बीच में देना है कॉमा। जैसे देखिए, ये ऑथर का नाम एक्चुअली है एमएच एब्रम्स और ज्योफ्रे गॉल्ड हार्फेम, लेकिन मैंने देखिए एमएच पहले और एब्रम्स बाद में नहीं डाला। सबसे पहले मैंने क्या डाला, एब्रम्स यानी उनका टाइटल, फिर मैंने एक कॉमा दिया और फिर मैंने डाला एमएच उनका नाम। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑथर का नाम हो, फॉर एग्जाम्पल सिल्विया प्लैथ, ठीक है, मैंने जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ, सिल्विया प्लैथ का लिखा हुआ कोई बुक अगर कंसिडर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्लैथ, मतलब उनका सरनेम, फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे सिल्विया। ठीक है, मान लीजिए आप अमिताभ घोष का लिखा हुआ कोई बुक को साइट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखिएगा घोष उनका टाइटल, फिर कॉमा, फिर अमिताभ, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, अगर एक ही ऑथर हुए तो बस एक ही नाम देना है, अगर एक से ज्यादा ऑथर हुए तो एंड करके देना है, जैसे मैंने दिया है। ठीक है, अच्छा, अब अगर दो ऑथर हुए तो एंड करके ही चले, अगर दो से भी ज्यादा ऑथर हुए तो आपको कॉमा 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 दे करके जाना है और आखिरी दो ऑथर के बीच में एंड कर देना है। जैसे मान लीजिए कोई बुक को चार ऑथर ने मिलकर लिखा है, ए बी सी डी, तो आप पहले ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी, आखिरी दोनों में एंड लगा दीजिएगा। तो जिस हिसाब से आपका होगा उस हिसाब से आपको मतलब एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ज्योफ्रे गॉल्ड हार्फेम, तो मैंने पहले टाइटल दिया हार्फेम, फिर कॉमा, फिर उनका नाम ज्योफ्रे गॉल्ड, तो हो गया, ये हो गया ऑथर का नाम। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन्वर्टेड कॉमा में देना है बुक का नाम। तो जो बुक को मैंने कंसल्ट किया था उसका नाम था ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, तो आपको वो नाम लिखना है। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा, ये यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, तो इन्वर्टेड कॉमा देना है, बुक का नाम लिखना है, फिर आपको लिखना है उसका पब्लिकेशन डिटेल्स, एडिशन और पब्लिकेशन ईयर। ठीक है, मतलब कौन पब्लिशिंग पब्लिकेशन हाउस से वो पब्लिश हो रहा है उसका डिटेल्स आपको डालना है, पब्लिशर्स कौन है, सीधा बात है, उसका डिटेल्स यहाँ डालना है, फिर आपको देना है वो कितना नंबर एडिशन है, फिर आपको डालना है कौन सा साल में कौन सा ईयर में वो पब्लिश हुआ है। जैसे ये जो बुक है ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये 2015 में पब्लिश हुआ था और 11th एडिशन था, और ऐसा है जो सेंगेज लर्निंग है इसका द्वारा ये पब्लिश किया गया था, इसलिए मैंने इस हिसाब से दिया। अब मान लीजिए आपका बुक अगर ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का है, 5th एडिशन का है और 2020 में पब्लिश हुआ है, मतलब जो बुक आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, फिर आपको लिखना है 5th एडिशन, फिर आपको लिखना है 2020, इस हिसाब से स्ट्रक्चर चलेगा। ओके, क्लियर। अब हम लोग, ये तो हो गया बुक का, मैंने सिर्फ यहाँ एक ही बुक लिया इसलिए मैंने एक बुक का नाम लिखा, आपको अगर एक से ज्यादा है तो आप स्पेस देके देके नीचे लिखिएगा। हो गया। अब देखिए आर्टिकल्स फ्रॉम हिम, अगर आप वेब आर्टिकल्स डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले आर्टिकल्स फ्रॉम वेब लिखना है, मतलब टाइटल देना है, आप दे दीजिएगा। उसका बाद देखिए डिटेल्स कैसे देना है, अब कोई भी आर्टिकल जब हम लोग साइट करते हैं, ठीक है, मतलब इंटरनेट में गूगल में सर्च करके कोई भी साइट में जाते हैं, कोई भी किसी का आर्टिकल ब्लॉग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका ऑथर का नाम है ना उसमें रहता है, ज्यादातर में रहता है, कोई कोई में आपको नहीं भी मिलेगा, नहीं मिलेगा जिसमें उसमें क्या ही किया जा सकता है, बट जिसमें मिलेगा उसमें अवश्य आपको डालना है ऑथर का नाम। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने ये जो फेमिनिज्म पैट्रियार्की, ये था ब्लॉग का टाइटल, ठीक है, फेमिनिज्म पैट्रियार्की, तो मैंने ब्लॉग का टाइटल डाला, और अब सबसे पहले ऑथर है तो उसका नीचे ये ब्लॉग किसने लिखा था उसका भी नाम दिया था, डनकन हॉल, तो जाहिर सा बात है आपको मैंने पहले ही बताया है कि सरनेम पहले डालना है, हॉल, फिर कॉमा देना है, फिर नाम, डनकन, हो गया। उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा दे करके जो मेन नाम है वो टाइटल है वो देने हैं। अब बुक का टाइम में बुक का टाइटल दे रहे थे, यहाँ क्योंकि हम लोग एक वेब आर्टिकल सर्च कर रहे हैं या कोई ब्लॉग सर्च कर रहे हैं या कोई वेबसाइट का टॉपिक सर्च कर रहे थे, उसका जो हेडिंग या टाइटल होगा वो हम लोग यहाँ पे देंगे। उसका बाद हम लोग देंगे डेट, ठीक है, कि वो कब हम लोग उसको देखे हैं, तो एक्सेस्ड ऑन मार्च 13, 2021, तो मैंने इसको 2021 का 13 मार्च को मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था, मैंने ये आर्टिकल एक्सेस किया था, इसलिए मैंने उस हिसाब से लिख दिया। तो फिर से मैं दोहराता हूँ, सबसे पहले आपका जो भी आर्टिकल रहेगा वो किसने लिखा है उसका नाम, पहले सरनेम, फिर कॉमा, फिर नाम, उसके बाद आपका आर्टिकल का टाइटल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर आप जिस भी दिन उसको एक्सेस किए हैं, जिस भी दिन देखे हैं, पढ़े हैं, उसका डेट एक्सेस डाउन करके वो डेट, ठीक है, हो गया। अब उसका नीचे आपको देना है उसका लिंक, देखिए जैसे ये लिंक मैंने नीचे शेयर किया है, ठीक है, उसका नीचे ही आपको इसका लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये हुआ आपका सही तरीका
वेब आर्टिकल मतलब साइट करने का या वेब आर्टिकल को मेंशन करने का। ओके, देखिए ऐसा सारा ऐसा बहुत सारा मैंने वेब आर्टिकल मेंशन किया है, ठीक है, तो सारा इसी तरीके से दिया हुआ। जैसे मैं लास्ट भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए यंग लॉरली मतलब लॉरली यंग है उनका एक्चुअल नाम, इसलिए मैंने यंग सरनेम पहले दिया, फिर कॉमा देखिए, फिर लॉरली, फिर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म लिटरेचर एंड थियोरी, ये था उनका ब्लॉग का टाइटल, ये था उनका लिखा हुआ मतलब वेब आर्टिकल का टाइटल, तो इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये टाइटल दिया। फिर मैंने इसको 2021 का 14 मार्च में देखा था, तो इसलिए मैंने लिख दिया एक्सेस्ड ऑन मार्च 14, 2021, और फिर मैंने उसका लिंक कॉपी करके दे दिया। तो ये हुआ आपका टोटल तरीका, जितना भी आप सोर्सेस को मतलब मेंशन किए हैं, जितना भी सोर्सेस से आप इंफॉर्मेशन लिए हैं, सारा का सारा को आपको डालना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ आप एक सोर्सेस से कंसल्ट किए हैं या आप 100 सोर्सेस से कंसल्ट किए हैं, जितना भी कम कंसल्ट किए हो या जितना भी ज्यादा कंसल्ट किए हो, आपको सारा का सारा डालना है। उससे फर्क नहीं पड़ता आपका बिब्लियोग्राफी सिर्फ एक ही लाइन का होता है या 7 पेज का होता है या 10 पेज का होता है, लेकिन आपको सब का सब डालना है। ओके, समझ में आ गया? तो बस यही था आखिरी पार्ट, तो आशा करते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर्ड वाइज समझ में आया होगा जैसे मैंने समझाया। अब आपको टर्म पेपर लिखने में कोई भी असुविधा नहीं होगा। फिर भी अगर आपको टर्म पेपर लेके कोई भी आपका रहता है, कोई भी प्रश्न रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपका सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग ज़रूर उसका जवाब देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और नोटिफिकेशन बिल टर्न ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आगे मैं बनाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।